हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरा लंच रूटीन और शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने रिसेंटली ही न्यू रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट किया है और मैं जल्दी ही मेरे लिविंग रूम का मेकओवर प्लान कर रही हूँ, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे DIYs और शॉपिंग हॉल वीडियोस देखने वाले हैं। तो अगर आप वो सब देखना चाहते हो तो प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो चले देखते हैं कि आज लंच में मैं क्या पका रही हूँ। तो आज लंच में बन रहा है वेजिटेबल पुलाव और उसी के लिए मैं यहाँ पे ऑनियन, टमाटोज और सारी वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, 2 स्पून ऑयल लिया है और इसमें मैं एक छोटा सा पीस बटर का डालूंगी टेस्ट के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 स्पून जीरा, लहसुन की हम लोग लगभग 5 पंखियां डालेंगे, और इसे अच्छे से अब मिक्स करके लेंगे। थोड़ा सा हींग, जैसे ही हमारा लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटा प्याज। थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर रही हूँ ताकि कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। प्याज हमारा पक गया है तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा फ्लावर ऐड करने वाली हूँ और इसे हम पका लेंगे। सब्जियों में आपको जो पसंद हो आप वो सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, लाइक पोटैटो, शिमला मिर्ची, बीन्स, बटाना, जो मर्जी चाहे आप ऐड कर सकते हो। और आज मैं यहाँ पे शिमला मिर्ची और बटाना एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, पोटैटो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। फूल गोभी को हमने ऑनियन और ऑयल में अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, और इसे हम पकाने के लिए छोड़ देंगे। फूल
भी लगभग आधा पक गया है, तो अभी हम इसमें रिमेनिंग वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं थोड़े से मटर, और आधी शिमला मिर्ची, और एक छोटा सा टमाटर। तो अभी मैं ये सारी सब्जियां मिक्स करूंगी और इसे अच्छे से पकाऊंगी। राइस हमने ऑलरेडी कुक करके लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारी सब्जियां अच्छे से कुक हो गई है। तो अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच पाव भाजी मसाला। हाँ, पाव भाजी मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस राइस में। और मैं ऐड करूंगी सॉल्ट, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अमचूर पाउडर। अगर आपके पास लेमन हो घर पे तो आप लेमन डालना, मेरा लेमन अभी खत्म हो गया है, तो इसीलिए मैं भी अमचूर पाउडर डाल रही हूँ इसमें। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी मसालों को पकाने के लिए। हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारे मसाले जल नहीं जाए। मसाले जल जाएंगे तो इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा हमारे राइस में। मैं थोड़े से वेजिटेबल्स को स्मैश कर ले रही हूँ यहाँ पे, ताकि हमें जब हम जब राइस खाएंगे तो हमें वेजिटेबल्स के चंक्स ना लगे। यूजुअली बच्चे अगर चंक्स देखेंगे तो वो साइड में निकाल के रख देते हैं। अगर आप ये ट्रिक यूज करोगे तो उन्हें निकालने का चांस हम नहीं दे पाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चॉप धनिया और राइस। ये राइस है, ये जो है ये रेड कलर का साउथ इंडियन राइस है। ये साउथ इंडियन लोग बहुत खाते हैं। इसे पकाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये बहुत हेल्दी होता है। हमारा जो रेगुलर राइस होता है वो पॉलिश्ड राइस होता है, तो जब भी राइस को पॉलिश करते हैं तो उसके जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑलवेज प्रेफर करना कि आप अनपॉलिश्ड राइस खाएं, और स्पेशली ये राइस बहुत हेल्दी होता है। ये पकाने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अगर आप इसे सोक करके रखोगे तो इट इज ओके। तो अगर आप डाइट पे हो और आपको राइस खाना बहुत पसंद है तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब देख सकते हो मेरे राइस पे कितना अच्छा कलर आया है, और पाव भाजी मसाले का जो टेस्ट है तो वो बहुत ऑसम आ रहा है। तो मैं इसे वापस ढक के एक 5 मिनट के लिए रखूंगी और फिर सर्व। तो आज मैं जो शॉपिंग हॉल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसका जो डेकोर का सामान है वो मैं एक्चुअल में कैसे यूज करती हूँ और वो मेरे घर में कैसे लग रहा है, वो आपको आने वाले वीडियो में देखने मिलेगा। तो प्लीज वो भी जरूर देखिएगा।
तो ये है मेरा आज का लंच, कुकुम्बर और राइस। तो होम सेंटर से सबसे पहले मैंने खरीदा है ये पिज्जा कटर। ये पिज्जा कटर जो कटर का साइड है ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और इसका जो हैंडल है ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये प्लास्टिक काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसका पकड़ने का जो ग्रिप है वो भी काफी अच्छा है, तो जब भी आप इसे पकड़ के कट करेंगे तो बहुत आसानी होगी। आप देख सकते हो कि ये काफी अच्छी क्वालिटी का है और इसका कलर भी बहुत प्यारा लगा। और इसकी सेकेंड एडवांटेज है कि यहाँ पे उन्होंने एक होल दिया गया है, तो अगर आपको ये कहीं पे भी हैंग करना हो तो आप हैंग भी कर सकते हैं। मेरा होम सेंटर से नेक्स्ट परचेज है ये डाइनिंग टेबल मैट्स। ये इस पे आप कोई भी गर्म बर्तन, जब भी आपको खाना सर्व करना हो तो आप इस पे डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो। ये भी पूरा वुडन का बना हुआ है, आप देख सकते हो ये फुल वुडन बना हुआ है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। और बेसिकली डाइनिंग टेबल पे अगर आप गर्म खाना रखोगे तो आपका डाइनिंग टेबल बहुत जल्दी खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप ये मैट्स प्लेस करके उसके ऊपर आपका जो बर्तन है वो रखोगे तो आपका डाइनिंग टेबल की लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये खरीदा है। इसकी क्वालिटी तो अच्छी है और ये दिखने में भी बहुत प्यारा है, तो अगर आपके घर पे कभी कोई गेस्ट आ रहे हो तो आप ये यूज कर सकते हो या डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं। ये आप सिंगल पीस खरीद सकते हो या चाहे तो एक से ज्यादा भी खरीद सकते हो। मैंने यहाँ पे दो पीस खरीदे हैं, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई है। मेरा थर्ड परचेज है किचन रिलेटेड, मैंने ये ग्रिल पैन खरीदा है। तो इसकी खास बात ये है कि ये काफी छोटा साइज है, ये बेसिकली 20x20 सेंटीमीटर का बना हुआ है और इसका जो हैंडल है ये पूरा फोल्ड हो जाता है, तो ये रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको जब भी यूज करना हो तो आप हैंडल यूज करके आप इसे यूज कर सकते हो। ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसकी प्राइस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी मेंशन कर दूंगी। और ये काफी छोटा है तो मुझे ये पसंद आया, और जो मेरा पुराना वाला ग्रिल पैन था वो खराब हो गया था तो इसीलिए मैंने ये बाय किया है। तो मेरे होम सेंटर का नेक्स्ट जो डेकोर रिलेटेड है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ डेकोर सेक्शन का। मैंने ये खरीदा है पीस, ये बेसिकली शो पीस है, आप इसे कहीं पे भी डिस्प्ले यूनिट पे रख सकते हो, लेकिन इसको मैंने बाय किया है बिकॉज ये ये ड्यूअल यूज इसका हम कर सकते हैं। जब भी चाहिए तभी आप ये ऐसा ही फुल पीस रख सकते हो आपके डेकोर के लिए, और अगर आपको ये फ्लावर वाश जैसे यूज करना है तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावर वॉश की जैसे ये कैसे दिखेगा। तो ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स हैं तो मैं इसमें डालती हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये कितना प्यारा लग रहा है। इसका जो शेप है वो मुझे बहुत पसंद आया है और इसका कलर भी काफी अच्छा है, रेड कलर मेरी थीम को मैच करता है तो इसीलिए मैंने ये खरीदा है। और जब चाहे तो मैं इसे फ्लावर वॉश की जैसे नहीं यूज करना है तो मैं इसका ये जो कैप है वो लगाऊंगी और ये रखूंगी। तो आप देख सकते हो कि इसका शेप कितना प्यारा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने ये खरीदा है। तो मेरा नेक्स्ट होम सेंटर परचेज है ये स्वैन। ये बेसिकली एक सेट में आता है, ये से दो स्वैन्स आते हैं बेसिकली, और ये बेसिकली व्हाइट और गोल्ड कलर के हैं। और मेरा टीवी यूनिट बहुत छोटा है तो मुझे उसको रखने के लिए कुछ कोई छोटा सा स्लिम सा और टॉल सा चाहिए था तो इसीलिए मैंने ये बाय किया है। आप देख सकते हो कि ये बहुत प्यारा है और इसका कलर व्हाइट एंड गोल्ड है जो मेरे लिविंग रूम को मैच करता है तो इसीलिए मैंने ये बाय किया है। इसकी प्राइस भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आप जरूर देखना।